यार बिच्छू है, बच के रहना। स्कॉर्पियंस के बारे में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है, कितनी सच्चाई है इस बात में। और स्कॉर्पियो के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते, उन सब बातों को मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पोल तो खुलनी ही है, तो कैसे ना कैसे खुलेगी ही खुलेगी। नमस्कार, वेलकम टू नीति गिरी टीवी। डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग अबंडेंट फैमिली। आपसे मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद सीरीज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर सीरीज विच इज गोइंग टू बी ऑन वेरियस सन साइंस। बट मैं आपको जैसे नंबर्स में बहुत डिटेल एंड डेप्थ में बताया था वो सब नहीं करूंगी। आई विल बी मेजरली टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियोज द अननोन फैक्ट्स। And for every sun sign, I'll be taking up 8 to 10 such facts which are generally not known to the people unless and until you belong to that sun sign. Second important thing, for every video, it will connect you with you if in case you are dealing with that particular sun sign. So two pieces of advice for all of you or two advices unke liye jinka khud ka ye sun sign hai. So video ko late na karte hue, let me begin quickly with फैक्ट नंबर वन। आपको जो करना है वो हुक और बाय क्रूक आप करके ही रहेंगे। यू एंश्योर दैट वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल ऑलवेज अटेन इट। आपका गोल, आपका फोकस जहाँ है, जहाँ आपको अचीव करना होता है, आप कुछ भी हो जाए आप वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, विच इज़ सच अ ग्रेट क्वालिटी इन स्कॉर्पियोज बिकॉज ऑफ विच देर आर सो मेनी पीपल हु गेट इंस्पायर्ड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, All for all the Scorpios. They'll say, I don't have trust issues. No, 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 no. I don't have trust issues. Should I tell you something? Sachi baat bolo. You don't trust at all. Issues to bahut baad ki baat hai. आप जब तक किसी चीज़ की तह तक खुद से नहीं चले जाते हो, आप तब तक किसी को भी ट्रस्ट ही नहीं करते हो। आपके अंदर वो ट्रस्ट फैक्टर का मादा ही नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ खुद से करना जानते हो और आप खुद करना चाहते हो। एंड दैट्स वन रीज़न वाई ट्रस्ट गोज आउट ऑफ द विंडो। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, यू आर एक्सट्रीमली इंटेंस पीपल। आपके इमोशंस, आपका काम, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू एक्सट्रीम इंटेंसिटी से भरा हुआ आता है। चाहे आपको कोई काम करना हो तो भी आप पूरी इंटेंसिटी से करते हो। अगर आपको खाना इंजॉय करना है तो भी पूरी इंटेंसिटी से करोगे। वॉट एवर यू डू, कुछ भी आप हाफ हार्टेड काम नहीं करते हो। या तो आप पूरी इंटेंसिटी से करते हो या फिर आप करते ही नहीं हो। यू कैन सेल इन आइदर ऑफ द बोट्स, नॉट इन वन। एंड आपके लिए बहुत मुश्किल है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, बिकॉज आपको नहीं पता, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इसके लिए गोल्डन टिप है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी सभी स्कॉर्पियोज के लिए, हाउ टू डील विद योर इमोशंस। बीइंग अ स्कॉर्पियो माई सेल्फ, दैट्स अ ट्राइड एंड अ टेस्टेड वन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हाफ द टाइम जब आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है जो दिल के करीब हो, जो आपसे रेजोनेट करे, आप या तो वो न्यूज़पेपर मैगजीन्स में से काट काट के आप चिपका रहे होते हो, और अगर आज की जनरेशन के बच्चे हो आप तो आप आए दिन स्क्रीनशॉट्स ले रहे होते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको पसंद आई स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पसंद आई स्क्रीनशॉट। तो आपके मोबाइल के अंदर फोटोज़ कम होंगे, स्क्रीनशॉट ज़्यादा होंगे। यकीन मानो मेरे मोबाइल के अंदर 3,900 स्क्रीनशॉट्स हैं। एट टाइम्स आई फील ये डिलीट करूँ, बट उसमें से मुझसे कुछ भी डिलीट नहीं होता। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर एवरी बिट ऑफ इट। अगर आपको गलती से किसी ने फफोल दिया कि यार शायद ये भूल चुका होगा या ये भूल चुकी होगी, तो यकीन मानो आप कुछ नहीं भूलते हो। आप 5 साल के हो गए तब भी चीज़ें आपको याद होंगी, 10 साल के थे तब भी याद होंगी। आपसे कोई भी चीज़, किसी ने आपको ज़ख्म दिया है तो नहीं भूल सकते, किसी ने आपको प्यार दिया है तो नहीं भूल सकते, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो नहीं भूल सकते, और किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया है तो भी नहीं भूल सकते। इट्स समथिंग लाइक इट्स देयर इनहेरेंट क्वालिटी इन यू, यू रिमेंबर द डिटेल्स इन डेप्थ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यू वेरी हार्ड ऑन अदर्स। मतलब आप ना रगड़ के काम लेते हो सबसे, वेरी वेरी हार्ड ऑन अदर्स, एट द सेम टाइम यू आर इक्वली हार्ड ऑन योर सेल्फ। अब रात के चाहे 10 बजे 11 बजे जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, आप वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते हो, आप पूरा करते हो उस चीज़ को। दैट इज़ वाई एट टाइम्स आपको थोड़ा रेस्ट और रिलैक्स करना चाहिए। दिस इज़ अनदर टिप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी सो हार्श ऑन यू और टू दी अदर्स।
उनकी भी एक जिंदगी है और अपनी खुद की भी जिंदगी है, इससे हटके ट्राई एंड बी कंफर्टेबल इन द अदर एनवायरनमेंट ऑल्सो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर हाईली इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी इंडिपेंडेंट. मतलब आपको तो कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है जब आपको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए. आप हर छोटी सी चीज़ अपने आप से करना चाहते हो. यू आर हाईली हाईली इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो. आप एक चीज़ को, आपकी फार साइटेडनेस इतनी ज़्यादा है कि 10 कदम पहले तक आपको मालूम होता है कि क्या होने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट अनदर आस्पेक्ट, यू आर फॉरएवर लॉयल विद योर लव्ड वंस. अंडरस्टैंड, ऑल होम यू लव, यू आर फॉरएवर लॉयल विद देम. और अगर आपको किसी ने एक बार धोखा दे दिया, उसके बाद आप वो बंदा या बंदी कुछ से कुछ कर ले, वो दोबारा आपकी अंदर कोहेसिव इंटरनल यूनिट के अंदर नहीं आएगा. फिर वो चार दीवारी से बाहर ही रहेगा, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कीप बॉटलिंग योर इमोशंस. और आपका आउटबर्स्ट होता है जब भी होता है, बिकॉज इतना टाइम तक इमोशंस आप अंदर दबा दबा के लेते हो, तो बहुत, मतलब बिल्कुल ब्लास्ट वाला आउटबर्स्ट होता है. आपका एलिमेंट वाटर है, आपका प्लैनेट प्लूटो है. आप कंपैटिबल किन साइन से बहुत ज़्यादा हैं? वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर एंड पाइसिस से. आप किन साइन से कम कंपैटिबल हैं? वो है सैजिटेरियस, जेमिनाई. अब मैं आती हूँ इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे. वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर स्कॉर्पियो नहीं हो और आप ये वीडियो देख रहे हो और आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, यानी आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई भी स्कॉर्पियो है, तो ये दो टिप्स आपके लिए. नंबर वन, स्कॉर्पियो का अपना खुद का दिमाग और सोच होती है. अगर आप ये सोचें कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इफ़ यू थिंक यू कैन इन्फ्लुएंस देम एंड यू कैन गेट योर वर्क आउट ऑफ देम, बिलीव यू मी, यू आर मिस्टेकन. आप गलत हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो सुन लेंगे, करेंगे वो ज़िद्दी और ढीठ होते हैं, करेंगे वो अपने मन की, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा. अब मैं आती हूँ सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो अगेन फॉर दिस इज़ फॉर आउटसाइडर्स, दैट इज़ Never lie to them. क्योंकि आपको लगता है आपने झूठ बोल दिया और मैं बच गई झूठ बोल के, या मैंने बातों को घुमा लिया. स्कॉर्पियो एक ऐसी ब्रीड है, ऐसे लोग हैं जो कि तह खान तह के अंदर से भी घुस के चीज़ों की सच्चाई निकाल लेंगे. They will not rest on what you have said. They'll unearth every bit of the facts and they will confront you in front of you that this is a fact. आप इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, तो डोंट इवन ट्राई डूइंग इट, कोई फायदा नहीं है. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने क्या बोला था, अगर आप स्कॉर्पियो हो तो मैं आपको दो टिप्स देने वाली हूँ. पहली टिप, आपकी इमोशंस बहुत हाई रन करते हैं और मतलब आप कंसिस्टेंटली एक तरह के इमोशंस के साथ नहीं रहते हो. आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करते हैं. इनफैक्ट टैरो में तो बहुत कॉमनली कहा जाता है, अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो टावर मोमेंट्स तो आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, बड़े कॉमन है आपके लिए, राइट? तो जब भी आपको इमोशंस के साथ डील करना है तो आपको क्या करना है, नंबर वन आपको बहुत सारा पानी पीना है, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन. वाटर साइन होने के नाते आपके इमोशंस को क्लियर करने में वाटर की हेल्प करेगा. नंबर टू, Please try and see to it that you are doing moon meditation, because moon again is a water sign. Moon meditation will help you a lot. Normally sitting in the moon, agar aapse meditation bhi nahi hoti, just keep watching the moon, sit there for a while, it's going to help you a lot. Aapko jab bhi heal hona hai, aap jab bhi sochenge koi third person ya second person aapko heal karega, always remember wo nahi karega, kyunki aap jiske saath baithenge ye soch ke ki main healed ho gaya hu ya ho gayi hu for a while, After an hour, you will come back to the same situation. आपको अगर कोई हील कर सकता है या कर सकती है तो वो आप खुद हैं. Alone time, your time, alone time with the moon, your own self and water. Nothing better than that. This is the only way through which you can get healed. Second important thing, tip is very, very importantly, whenever you feel like doing something which is different in your life, whenever you want to start something, try and start it on a Tuesday, because Tuesdays are the days for you. Shades of red are going to be always there for you. Koi sa bhi, chahe wo brown ho, chahe wo pink ho, chahe wo red ho, chahe wo maroon ho, chahe wo red se related magenta ho, any shade of red is going to help you. Topaz is going to help you. So all these things you can take an advantage of, aur aap blessed ho agar aap scorpion paida hue ho to. All the very best to you. I'm sure you would have loved this video. और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा वापस आकर कि आपको
कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा एंड हाउ मच डिड यू रिलेट टू इट, बिकॉज आपके कॉमेंट्स मुझे पसंद आता है और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, वेयर इज इट दैट एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इज इट दैट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद वॉट एवर आई एम टू ट्राइंग टू, इज इट मेकिंग एनी सेंस टू यू. Thank you so much. God bless you. Stay blessed and stay abundant. Lots of love.